निजी अस्पताल के संचालक इलाज के नाम पर बांट रहे हैं मौत की गोलियां, जहां डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने के चलते युवक की हुई मौत। इलाज के लिए युवक को 19 तारीख को सिटी हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती। जानकारी मिलते ही परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का लगाया आरोप, इसके चलते युवक की हुई मौत। डॉक्टरों ने अपना बचाव करते हुए मृत युवक के शव को प्राइवेट एम्बुलेंस में डलवा कर युवक के बहनोई के साथ कानपुर किया रेफर। युवक के मरने की सूचना पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा, वहीं डॉक्टरों पर लगाया गया लापरवाही का आरोप। सूचना पर पहुंचे अकबरपुर कोतवाल तुलसीराम पांडे सिटी हॉस्पिटल के अंदर कई घंटों से मृतक युवक के परिजनों को समझौते का बनवा रहे हैं दबाव। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी नहीं कर रहे कार्रवाई। मृतक युवक थाना रूड़ा क्षेत्र के सुमेरपुर हंसपुर गाँव का है निवासी। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के अकबरपुर सिटी हॉस्पिटल का है पूरा मामला। आपका? हमारा रुस्तम। रुस्तम सिंह। सिंह। अच्छा, यहाँ पर आप कहाँ पे हैं इस समय? आप सिटी हॉस्पिटल। क्या पूरा मामला हो गया है? पूरा मामला ये हुआ सर कि मतलब हमको हमारे साले ने कहा आप क्या ले आइए। साला? हाँ। क्या नाम उसका? दिनेश। दिनेश। हाँ। जो खत्म हो गया है। हाँ। तो हम चाय लेके आए, उनको चाय पिलाया। चाय पिलाने के बाद खुदराजी भी था वो। इसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने इंजेक्शन लगाया। किसने इंजेक्शन लगाया? डॉक्टर ने जो रहती है मैडम। मैडम क्या नाम है उनका? उनका नाम तो हम जानते नहीं सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद उनका तो इसके बाद इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ी देर बाद हमको हमारे साले ने कहा दीजिए हमको चक्कर आ रहा है। तो हमने ये सोचा भी शायद दो दिन से खाना नहीं खाया इसलिए आ रहा हो। इसके बाद में इतना सा उसने कहा है तो हमने कहा उसको दिया। उसको तो उसने खा भी नहीं पाया सर, ना खाने के चक्कर से एकदम जल गया है। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि इंजेक्शन कौन सा लगाया था? हमने पूछा था लेकिन वो बोल भी नहीं पाया, इसने वो गिर गया। तो डॉक्टर साहब से नहीं पूछा आपने? डॉक्टर से हमने पूछा था लेकिन डॉक्टर जल्दी जल्दी मचा रहे थे, हम यहाँ रोने भी लगे, बोले इसको ले जाओ। इसमें डेड बॉडी कहाँ है? इसमें डेड बॉडी कहाँ है? उसी में है सर, एम्बुलेंस में डेड बॉडी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमको भेजने के बाद वहाँ अस्पताल के सामने ही हमने बोला डॉक्टर को, देखिए इनको जबरदस्ती हमको भेजा गया है, बोला इनका कोई काम तमाम है, खत्म हो चुके हैं। हाँ, यही खत्म हो, इसको ले जाना कहीं बेकार है, घर ले जाइए। अच्छा, खत्म यही हो गया था क्या? हाँ, यही हो गया था, जब तो उन लोगों ने भेजा है। अच्छा, यहाँ पे खत्म हुआ इसके बावजूद रेफर करवा दिया? हाँ। क्या लगता है कि क्या लगता है किस तरीके से लापरवाही है इनकी? इनकी लापरवाही पूरी तरह से। और जब वो गिरा है, जब भी हमने बताया मतलब कोई भी बार यहाँ थाने से ऊपर थे सर। जब रहने वाले हैं सुमेरपुर हंसपुर। आपका नाम क्या है? शिवनाथ। शिवनाथ जी, यहाँ पर आप कहाँ पे हैं इस समय? आप न्यू सिटी हॉस्पिटल। क्या पूरा मामला हो गया है आप? क्या मामला हो गया है? यहाँ मामला यही हुआ कि इसमें बच्चे को जो है एडमिशन कराया गया, यहाँ पर लाया गया तो उसकी राड निकालने के लिए, तो यहाँ परसों रात जो है 20 तारीख को जो है ऑपरेशन हो गया पैर का, और सबको ठीक था, कम्प्लीट था, खाने पीने लगा सबको, सुबह चाय पी और चाय पी बिस्कुट, और बिस्कुट के बाद में इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया? हाँ, इंजेक्शन लगाया 8 बजे के बाद इंजेक्शन लगाया। इसी बात ये ख़त्म हो गया। इसके बाद इसको जो है एक हमारा जो है दमान था यहाँ, उसको जबरदस्ती बैठा के और सीधा कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जब बिना जानकारी दिए सीधे रेफर करवा दिया? रेफर कर दिया गया, जबरदस्ती बैठा के ले गए। जी, आपको क्या लगता है कि कोई लापरवाही हुई है क्या? लापरवाही हुई है इसमें। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि कार्रवाई आगे की जाए, हमारा जो है